हेलो फ्रेंड्स, मैं दोयल एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल द सैपलिंग। प्रोपागेटिंग प्लांट्स फ्रॉम कटिंग्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड मोस्ट यूज्ड मेथड्स। ये टेक्निक से एक प्लांट से बहुत सारे न्यू प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। आज हम इसी टॉपिक में बात करेंगे कि कैसे कटिंग से प्लांट को तैयार किया जा सकता है। प्लांट प्रोपागेशन का बेस्ट टाइम है स्प्रिंग एंड मॉनसून। मोस्ट ऑफ द कटिंग्स इस टाइम में इजीली लग जाते हैं। आज मैं शेयर करूंगी विंका, सदाबहार और पेरीविंकल एंड कोलियस को कटिंग से कैसे ग्रो किया जा सकता है। साथ में मेरा मॉनसून वीडियो में शेयर किया हुआ विंका की कटिंग का अपडेट्स भी दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये जो विंका का कटिंग्स आप देख रहे हैं, ये मैंने 18 जुलाई को लगाई थी। चलिए देख लेते हैं इसका रूट डेवलप हुआ कि नहीं। मेरे पास और कोई कंटेनर खाली नहीं था, इसीलिए मैं एक ही कंटेनर में ये तीनों कटिंग्स एक साथ लगाया था। अब देख सकते हैं मैंने कंटेनर में सैंड के अंदर ये कटिंग लगाया है। अभी मैं इसको निकालूंगी और चेक करूंगी इसका रूट सिस्टम कितना डेवलप हुआ है। आप जब भी कोई कटिंग लगाएं तो कोशिश करें कि एक एक कटिंग अलग अलग स्मॉल जो प्लास्टिक का ग्लास आता है उस पर लगाएं, ताकि निकालने के टाइम इसका रूट डैमेज ना हो पाए। अभी मैं सॉइल को या फिर सैंड को लूज करूंगी और फिर एक एक कटिंग को बाहर निकालूंगी। ये मेरा पहला कटिंग है और देखिए इसका रूट बहुत अच्छे से डेवलप किया है। अभी मैं दूसरा कटिंग को निकालूंगी। आप जब भी कटिंग को निकाले तो ऐसे खींच के ना निकाले, इससे रूट डैमेज होने का चांस रहता है। लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं ऐसे ही निकाल रही हूँ। इसका भी रूट अच्छे से डेवलप कर गया है, मतलब ये जो दोनों कटिंग है ये अभी मैं पॉट में रिपोर्ट कर सकती हूँ। अभी थर्ड कटिंग मैं निकालूंगी, इसमें रूट अच्छे से अभी तक ग्रो नहीं किया है, तो मैं इसको फिर से सैंड में लगा दूंगी और कुछ दिन ऐसे ही रखूंगी। अभी ये दो जो विंका का कटिंग अच्छे से रूटिंग कर चुका है, इसको मैं पॉटिंग कर दूंगी। ये जो कटिंग्स है ये कनेर प्लांट का कटिंग है। मेरे पास कनेर का कोई प्लांट नहीं है, इसीलिए रास्ते से एक प्लांट से मैं ये ब्रांचेस को तोड़ कर लेकर आई थी और फिर इसका कटिंग मैंने सैंड में लगा दिया था। दो हफ्ते पहले का ये कटिंग से देखिए कितनी अच्छे से ये लीफ निकल रहा है। मैं इसे अभी एक डेढ़ महीने ऐसे ही रखूंगी, फिर चेक करूंगी कि रूटिंग इसमें हुआ है कि नहीं। विंका को जो पॉट में मैं लगाऊंगी उसका मिट्टी मैं वैसे ही तैयार करूंगी जो मैंने बाकी प्लांट के लिए तैयार करती हूँ। इसमें एक पार्ट है गार्डन सॉइल, एक पार्ट है वर्मी कंपोस्ट और एक पार्ट सैंड है। पॉट को मिट्टी से भरने के बाद हम हाथ से पॉट के सेंटर में मिट्टी में एक होल बनाएंगे और उसी होल में हम हमारे विंका की कटिंग को लगाएंगे। ऐसे लगाने से कटिंग को इजीली लग जाने में आसानी होती है। ऐसे हम उंगली से इसके बीच में एक होल बनाएंगे और फिर कटिंग को हम इसके अंदर रखेंगे।
और फिर हाथ से धीरे धीरे प्रेस करके अच्छे से कटिंग को वहाँ पे सेट कर देंगे। मेरा दूसरा कटिंग को भी मैं ये सेम प्रोसेस से पॉट में रिपॉटिंग कर दूंगी। रिपॉट करने के बाद हम इसको शेडी एरिया में शिफ्ट कर देंगे और तब तक उसको शेडी एरिया में रखेंगे जब तक कि ना न्यू लीफ ग्रो करे। न्यू लीफ ग्रो करने के बाद फिर हम इसको बाहर निकालेंगे। रिपॉटिंग के बाद पानी दे देना बहुत ही जरूरी है। टाइम के साथ साथ जब हमारा प्लांट लेगी हो जाता है, उसका शेप खराब हो जाता है, तब हमें उसका शेप को ठीक करने के लिए उसे प्रून करना पड़ता है। प्रून करने के बाद जो कटिंग्स हमारे पास आते हैं उसको हम अगर प्रोपागेशन के काम में लगाए तो हम एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट को तैयार कर सकते हैं। अभी देखिए मेरा कोलियस का प्लांट लेगी हो गया है तो मैं इसका प्रूनिंग करूंगी और फिर जो प्रूनिंग करने के बाद ब्रांचेस निकलेगा उसको मैं कटिंग की तरह यूज़ करूंगी। ये विंका का ये ब्रांच भी बहुत लंबा हो गया है तो मैं इसका भी कटिंग करूंगी। कटिंग करने के टाइम हमेशा ख्याल रखिए कि दो नोड के बीच का पोर्शन में आपको 45 डिग्री का एंगल में कट करना है। ये जो प्लांट्स देख रहा है दो सेम प्लांट्स, ये एक बीज से ग्रो किया है और एक कटिंग से ग्रो किया है। मैं अभी ये जो मेरा कटिंग मैंने तैयार किया है इसका नीचे का जो लीफ है वो मैं निकाल दूंगी ताकि ज्यादा एनर्जी इसमें खर्च ना हो। ऊपर का दो तीन लीफ मैं छोड़ दूंगी ताकि प्लांट उस लीफ से अपना फूड तैयार कर पाए। प्रोपागेशन के लिए 5-6 इंचेस का कटिंग सफिशियंट है। ये जो नीचे वाला नोड है यहां से रूटिंग होता है इसीलिए ये नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये देखिए मेरा 5 कटिंग अभी तैयार है। अभी मैं उसको सैंड में लगा दूंगी। मेरे पास और कोई कंटेनर खाली नहीं है इसीलिए जिस कंटेनर में मेरा पहला विंका का कटिंग था उसी में मैं ये सारे कटिंग लगा दूंगी। कटिंग लगाने के टाइम आपको ख्याल रखना है कि नीचे वाला जो नोड है वो सैंड की अंदर में रहना चाहिए क्योंकि रूटिंग वहां से ही होती है। तो अभी मैं इसको लगा रही हूँ। मैं पहले भी कह चुकी हूँ और आप भी कर रही हूँ कि आप अगर सेपरेट सेपरेट छोटे छोटे कंटेनर में एक एक कटिंग को लगाए तो फिर निकालने में आपको आसानी होगी। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं एक ही कंटेनर में बाकी सारे कटिंग्स एक साथ लगा रही हूँ। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, कटिंग लगाने के बाद बार बार उसको निकाल के मत देखिए कि उसका रूट डेवलप किया है कि नहीं। एक बार अगर आप निकालेंगे तो फिर उसमें रूटिंग होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कटिंग लगाने के बाद आप उसे एक महीने तक एक शेडी एरिया में रख दीजिए जहाँ पे
सफिशियंट ब्राइट लाइट आ पाए, और फिर एक महीने के बाद आप चेक कीजिए कि उसमें रूटिंग हुआ है कि नहीं। अभी कटिंग लगाने के बाद मैं इसमें एंटीफंगल सॉल्यूशन डालूंगी ताकि कट किया हुआ पोर्शन में फंगस का अटैक ना हो पाए। तो जल्दी से इसी मॉनसून सीजन में कटिंग से प्रोपागेट कीजिए। जो पसंदीदा प्लांट आपके गार्डन में नहीं है उसका भी कटिंग को कहीं से अरेंज करके न्यू प्लांट तैयार कीजिए और अपने बगीचे में ऐड कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।